हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्प। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2018 टर्मिनल एग्जामिनेशंस के लिए न्यू डेट शीट रिलीज कर दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो डेट शीट नहीं है जो अभी 1 वीक पहले आप लोगों को एक डेट शीट मिली थी, ये वो डेट शीट नहीं है, ये न्यू डेट शीट है जो इग्नू ने रिलीज किया है दिसंबर 2018 टर्मिनल एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि न्यू डेट शीट जो आया है उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है पुराने डेट शीट के मुकाबले में, क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। तो आप लोगों को मैं पहले दोनों का कंपैरिजन दिखा दे रहा हूँ। पुराना जो डेट शीट था उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो नया डेट शीट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप लोग को भी कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि क्या क्या बदला है। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कहाँ पे करना है? डाउनलोड करने के लिए वही सेम तरीका है, आप लोग को स्टूडेंट सपोर्ट में जाना होगा, डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा, उसके बाद से प्री एग्जाम इन्फॉर्मेशन में आप लोग को डेट शीट मिल जाएगी। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप लोग डायरेक्ट उससे ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है नया जो अभी आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये न्यू डेट शीट है जो रिलीज हुआ है अभी 28 सितंबर को, और जो पहला डेट शीट रिलीज हुआ था वो हुआ था 10 सितंबर को। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस है कुछ कुछ, पहले आप लोग ये देख लीजिए। पुराने डेट शीट में क्या क्या था? पुराने डेट शीट में एग्जामिनेशन 29 दिसंबर को खत्म हो रहे थे, इसमें भी 29 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये डिफरेंसेस है कि जो पुराना डेट शीट था वो बहुत इम्प्रॉपर वे में बनाया गया था, यानी कि कोड वगैरह में गलती था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, बहुत सारी थी, और प्रॉपर वे में नहीं था, बहुत इनफॉर्मल वे में बनाया गया था, जैसे तैसे बना दिया गया था, क्योंकि उनको जल्द से जल्द अपलोड करना था डेट शीट, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। और जो न्यू डेट शीट रिलीज हुआ है उसको एक प्रॉपर वे में बनाया गया है, जिस तरीके से डेट शीट रिलीज होती है। एग्जामिनेशन के डेट में यानी कि खत्म होने का डेट में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में 29 दिसंबर को ही एग्जामिनेशन एंड हो रहे हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार 29 दिसंबर तक हो रहा है, यानी कि 1 मंथ तक अगर एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोग की एग्जामिनेशन क्लैश नहीं होंगे, यानी कि दो पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे जो हो जाते थे वो नहीं होंगे। क्योंकि वो इसलिए होता था कि जब एग्जामिनेशन 20 दिन में कंप्लीट किया जाता था तब ऐसे होता था, अब पहले की तरह 30 दिन में फिर से कर दिया गया एग्जामिनेशन को। ठीक है, लेकिन जो पहले जो एग्जामिनेशन का जो डेट शीट रिलीज हुआ था इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का दो एग्जाम एक ही दिन एक ही पेपर एक ही दिन में एक ही टाइम पे दो पेपर हो गया था, जिसकी वजह से उनको न्यू डेट शीट रिलीज करना पड़ा, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसमें आप लोग देख लीजिए, मैं उतने सारे कोड है तो सबका तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन फिर भी मैंने चेक किए बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो उसमें कुछ कुछ डेट चेंज किए गए हैं, या तो मॉर्निंग सेशन से आप इवनिंग सेशन में किया गया है, या डेट चेंज किए गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये किया गया है कि डेट दोनों क्लैश ना हो। फिर भी अगर आपके अगर क्लैश हो रहे हैं तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, कि क्योंकि ये भी टेंटेटिव डेट शीट ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी टेंटेटिव डेट शीट ही लिखा हुआ है, ये भी फाइनल डेट शीट नहीं है। जो फाइनल डेट शीट होती है वो एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले रिलीज होती है और वही फाइनल होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का हॉल टिकट में सब्जेक्ट का डेट मेंशन होता है। तो ये भी अभी टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन फिर भी एक न्यू डेट शीट थी तो मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए, ताकि आप लोग को भी पता चल जाए कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो किस डेट पे पर है एज अकॉर्डिंग टू द न्यू टेंटेटिव डेट शीट। तो आप लोग दोनों डाउनलोड कर लीजिए, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और देख लीजिए कि क्या आप लोग का चेंजेस हुआ है कुछ, या जैसे पहले वाला टेंटेटिव डेट शीट में दिया गया था वही न्यू डेट शीट में भी है। सब चेक कैसे करेंगे कि कौन से डेट पे, उसके लिए बस आप लोग को अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से चेक करें तो कंट्रोल एफ अगर आप प्रेस करोगे और वहां पे अपने सब्जेक्ट का फर्स्ट थ्री डिजिट अगर आप पुट करोगे तो आप लोग को वो सब्जेक्ट का कोड मिल जाएगा। जैसे मैंने अगर MHI पुट किया तो MHI देखिए MHI 05 11 दिसंबर को है, उसके बाद से फिर अगर MHI 02 4 दिसंबर को है, फिर MHI 03 6 दिसंबर को है, उसी तरीके से आप लोग भी अपना अपना सब्जेक्ट कोड पुट करके और अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं कि कौन से डेट पे आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, और इस साइड में मॉर्निंग सेशन है, इस साइड में इवनिंग सेशन है। इसके बारे में तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा, लेकिन अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप ऊपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था न्यू डेट शीट के रिलेटेड, कि न्यू डेट शीट रिलीज कर दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई डाउट होगा डेट शीट चेक करने में, या डेट शीट के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे hhelpline92@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन ये सारी यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।